गुड मॉर्निंग, वेलकम टू प्रेगनेंसी यात्रा विद डॉक्टर शेफाली दादीज पार्ट वन फर्स्ट मंथ। हमें प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आते ही कोशिश यही करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। अब आती है इन्वेस्टिगेशंस के बारे कि हमें क्या करवाना चाहिए। तो अगर आपने पिछले 3-4 महीनों में अपने कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराए हैं तो आपको रूटीन ब्लड टेस्ट कराने हैं, जैसे कि CBC, ब्लड ग्रुप, HIV, हेपेटाइटिस, HCV, VDRL, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है थायराइड टेस्ट। ये इसलिए कराया जाता है क्योंकि बाय चांस अगर हमें थायराइड हुआ और हमारा बेबी का ग्रोथ इसी टाइम पे स्टार्ट हुआ है तो हमारे बेबी के ग्रोथ में दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमें ये बेसिक टेस्ट, शुगर का टेस्ट, जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए ताकि इस किसी में भी अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो हम डे वन से ही उसका ट्रीटमेंट ले सकें। इसके अलावा हमें अपना BP नपवाना है क्योंकि हो सकता है कि हम ऑलरेडी हाइपरटेंसिव हो और हमें पता ही ना हो, तो इसलिए हमें अपना BP, अपना बेसलाइन वेट, ताकि हमको ये आइडिया रहे कि हमारा प्री प्रेगनेंसी, दैट इज जब UPT पॉजिटिव आया तब डे वन ऑफ प्रेगनेंसी क्या वेट था और मंथ बाय मंथ हमारा वेट कितना बढ़ रहा है, ये कम तो नहीं बढ़ रहा या ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा। तो इस तरह से हमें अपने बेसिक BP, पल्स, वेट और ब्लड टेस्ट करवाने ही करवाने हैं, जिससे कि जब एकदम वाइटल ग्रोथ होती है बच्चे की, दैट इज फर्स्ट 3 मंथ्स, तभी यदि हमारे अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो टाइम से ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। क्योंकि पेशेंट कई बार बहुत लेट हो जाते हैं, 15 दिन बाद आते हैं, 20 दिन बाद आते हैं। जब मैं उनका टेस्ट कराती हूँ, किसी को शुगर निकलती है, किसी को थायराइड निकलता है, तो हम ऑलरेडी उतने 20 दिन लेट हो जाते हैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में। इसके अलावा सोनोग्राफी होनी चाहिए, जो कि यदि कोई कॉम्प्लिकेशन है तो जल्दी होगी, अदरवाइज 7 वीक्स के अराउंड, मतलब जब हमारा मिस्ड पीरियड है उससे 20 दिन के बाद में हमारा अल्ट्रासाउंड होता है, जिससे कि हमें पता चल सके कि बेबी यूट्रस में है कि नहीं, हेल्दी है कि नहीं, हमारी डेट्स ठीक है क्या और हमारे बच्चे की हार्ट बीट आई है कि नहीं। इसके अलावा यदि हमें सांस फूलती है, हमें चेस्ट पेन रहता है, हमारे दिल की धड़कन बहुत तेज़ रहती है, कई पेशेंट कहते हैं कि मुझे पूरे टाइम ऐसे फील होता है जैसे धक-धक लग रही है, तो आप अपना एक ECG भी अपने डॉक्टर से करवा सकते हैं। क्योंकि इन केस हमें हार्ट की कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई तो वो भी इनिशियल स्टेज पर ही हमें डायग्नोस हो जाएगी। अगर हमें लंबी खांसी रहती है, बलगम निकलता है, हमें सर्दी खांसी बहुत जल्दी कैच हो जाती है, तो भी हमें दिखाना चाहिए ताकि जब प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है, प्रेगनेंसी का सीजन शुरू होता है, तब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इम्यूनिटी सप्रेशन हो जाता है, तो हमें इम्यूनिटी बिल्डर्स भी स्टार्टिंग से ही लेनी चाहिए। इसके अलावा जो मेडिसिन लेनी है वो मैं आपको बताऊंगी एक सेपरेट वीडियो के अंदर। तो ये मैंने बताया आपको जो अपने को इन्वेस्टिगेशंस करानी है प्रेगनेंसी पॉजिटिव आते ही फर्स्ट मंथ के अंदर। थैंक यू।